जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि YouTube पे बढ़िया वीडियो कैसे बनाएं, तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि आप YouTube पे बढ़िया वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले YouTube की जो परंपरा है उसको हम निभा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई नई वीडियो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक तस्वीर देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर फ्लैश हो रहा होगा, ये तस्वीर फेमस यूट्यूब सेलिब्रिटी मनोज दे की है। आपको बता दें कि मनोज दे इस समय यूट्यूब के एक फेमस सेलिब्रिटी है और उनके एक एक वीडियो पे जो व्यू आते हो कभी लाखों में और 40-50 हजार व्यू तो हमेशा होता है। तो ये कैसे कर पाते हैं? तो इस सवाल का जो जवाब है वो इस तस्वीर के अंदर ही छुपा हुआ है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको बताना है कि इस तस्वीर में समानता क्या है। अगर हम आपसे ये पूछे होते कि इस तस्वीर में भिन्नता क्या है तो आप बड़ी आसानी से बोल दिए होते कि ये मनोज दे का पुराना है जो आपके स्क्रीन के बाएं तरफ आ रहा होगा, ये पुरानी तस्वीर है, दाई तरफ नई तस्वीर है, दाई तरफ जो तस्वीर है उसमें उनका सेटअप वगैरह रेडी है, जो पुरानी बाई तरफ वाली तस्वीर है उसमें सेटअप रेडी नहीं है, पुराने वीडियो में मनोज दे थोड़े प्रोफेशनल नहीं दिखते हैं, नए वीडियो में ये सब भिन्नताएं हैं जो कि आप आसानी से जान पाएंगे। लेकिन आपको अगर आप उनके वीडियो वायरल करने के बारे में खास बात जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर बताना है समानता। तो आप लोग समानता ढूंढिए, तब तक मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुना देता हूँ। आपने बुजुर्ग लोगों से कहावत जरूर सुना होगा कि दुनिया में एक ऐसी चीज है जो चोरी नहीं हो सकती। तो इसके बारे में बुजुर्ग लोगों का कहना हुआ था कि जो विद्या है, आपकी जो कला है, उसको चोरी नहीं किया जा सकता। लेकिन समय के साथ चोरी करने के तरीकों में बदलाव हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो विद्या है, आपकी कला है, उसकी भी चोरी हो सकती है। यानी कि अगर आप अच्छा वीडियो कंटेंट बनाते हैं तो वो भी चोरी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इस तस्वीरों के अंदर जो ढूंढना था वो क्या ढूंढना था, अगर आप लोगों ने ढूंढ लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं ढूंढा है तो आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर मनोज दे के दोनों जो तस्वीरें थी, एक वीडियो का स्क्रीनशॉट था, इन स्क्रीनशॉट का जो लिंक है, जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन दोनों वीडियो के अंदर जो सेम चीज थी वो था मनोज दे का कॉन्फिडेंस। यानी कि मान के चलिए कि मनोज दे का जो कॉन्फिडेंस है दोनों वीडियो में सेम था, और यही एक खास वजह है जिसकी वजह से उनका जो वीडियो होता है लगातार यूट्यूब पे वायरल होता है। तो आप ये समझ लीजिए, नए जमाने का जो कहावत है वो ये होने वाला है कि आपका कंटेंट तो चोरी हो सकता है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं। तो आप कंटेंट के साथ आप कॉन्फिडेंस पे भी ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए, आपका वीडियो जो है जरूर वायरल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।